हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में एल्काइन के बारे में हम बताएंगे, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। साथ ही साथ एल्काइन दो प्रकार के होते हैं और उसका क्या रिएक्शन होगा इसके बारे में जानकारी देंगे, और इसमें एक क्वेश्चन जो आएगा रेजोनेंस पर, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। अल्काइन, तो ये जो है अल्क जो आया है, अल्क ये वड रूट है। वड रूट उसको बोलते हैं जिससे कार्बन, उस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है वड रूट से पता चल जाएगा। इसका मानी है कि हमको नाम से पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है। आइन जो है ये सफिक्स है वड रूट के, जो बाद में आता है इसको सफिक्स बोलते हैं। तो ये है आपका सफिक्स, ये इसका बेस नेम हो गया, बेस नेम। आयन इसका सफिक्स है। अल्क के पहले अगर कोई ऐड करते हैं तो प्रीफिक्स होगा पहले, अल्क के बाद में जो ऐड करते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, बेस नेम। आयन मीन्स होता है ट्रिपल बॉन्ड, आयन मीन्स हुआ ट्रिपल बॉन्ड, यानी दो कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका सफिक्स होता है आयन होता है। ये जो है अल्काइन जो है मोर रिएक्टिव होता है किससे, एल्केन और एल्कीन से। एल्केन एल्कीन इसके पहले पढ़ाए हैं, इट इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन एंड एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में GF लिखते हैं, CnH2n-2। इसमें देखिए, इसमें कार्बन एटम जो है कम से कम दो होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए, तो इसमें n का जो वैल्यू होगा दो या दो से अधिक होगा। अब अल्काइन किसे कहते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स एंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n-2 इज कॉल्ड अल्काइन। IPC नाम हम कैसे निकालते हैं, तो IPC नाम जो है एल्केन से हम निकालेंगे, एल्केन IPC नाम है, तो IPC नाम से IPC नाम मिलेगा, एल्केन से हम निकालेंगे। तो इसे एल्केन से जो है ये सफिक्स है एन है, एन को हटा देंगे उसके जगह पर आयन जोड़ देते हैं तो अल्काइन प्राप्त होता है। IPC नाम बाय रिमूविंग एन फ्रॉम एल्केन एंड एडिंग वाई एन ई आइन, बाय रिमूविंग एन फ्रॉम एल्केन, एल्केन से एन को हटाते हैं एंड एडिंग आइन, आइन को जोड़ देते हैं, एल्केन इससे एन को हटा दिया, अब उसके जगह पर आयन जोड़ देते हैं, तो ये मिलेगा अल्काइन। तो अल्काइन भी IPC नाम है, ये IPC नाम है, तो IPC नाम से IPC नाम मिलता है, अल्काइन है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इस साइड में देते हैं कॉमन नेम, इसमें कॉमन नेम जो है अगर एक याद कर लेते हैं तो बाकी मेंबर का, इसका जो भी मेंबर आएगा बाकी मेंबर का कॉमन नेम, एक कॉमन नेम से हम बाकी कॉमन नेम निकाल सकते हैं। तो एल्केन का पहला मेंबर लेते हैं, दो कार्बन से लेंगे इथेन, इसे एन को हटाया वाई एन जोड़ दिया, इथाइन, इथ, इथ मीन्स दो कार्बन, इथ मीन्स दो कार्बन,
तो दो कार्बन इसमें हम रखते हैं तो कितना होगा सी टू, और एच कितना हो जाएगा टू इंटू टू और माइनस टू, यानी चार में से दो घटा देंगे तो हाइड्रोजन कितना आएगा दो आएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा सी टू एच टू, कॉमन नेम में इसको एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन। तो आईपीसी नाम इथाइन है, कॉमन नेम एसिटिलीन है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सी टू एच टू। सिमिलरली इसी तरह अदर मेंबर हम निकालेंगे प्रोपेन, इसमें प्रो पाया, तीन कार्बन एटम है, ये एन इसे हटा दिए और उसके जगह आयन जोड़ देते हैं तो मिलता है प्रोपाइन। प्रोपाइन का फॉर्मूला होगा सी थ्री, तीन कार्बन है और छः में से दो हट गया एच फोर। इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल एसिटिलीन। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम बताएंगे ये कैसे आता है, मिथाइल एसिटिलीन एसिटिलीन। तीसरा है ब्यूटेन से निकालते हैं, एन को हटाकर वाईएन जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन मिलेगा। चार कार्बन है, ब्यूट मीन्स चार कार्बन, तो चार कार्बन इसमें रखते हैं तो सी फोर एच आठ में से दो घट गए सिक्स। इसका कॉमन नेम जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम बताएंगे पेंटेन पेंटाइन। पेंट में पांच कार्बन है तो सी फाइव एच दस में से दो घटा देंगे एट, सी फाइव एच एट। इसका भी सब कॉमन नेम जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी तरह हेक्सेन हेप्टेन से हम निकाल सकते हैं, जो भी इसका मेंबर है छः कार्बन होगा तो हेक्सेन होगा, हेक्सेन से हेक्साइन, हेप्टेन से हेप्टाइन, ऑक्टेन से ऑक्टाइन, इस तरह करके इसका मेंबर हम निकाल सकते हैं। अब इसका चल रहे हैं स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हमारा जो है कॉमन नेम हम इसका निकाल सकते हैं कि कितना पॉसिबल कॉमन नेम अल्काइन में प्राप्त होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में एसटीआर हम लिख देंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहला लेते हैं इथाइन, तो इथाइन तो आईपीसी नाम है, आईपीसी नाम सिस्टमेटिक होता है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें दो कार्बन है तो मोलिकुलर फॉर्मूला ये सी एन एस टू एन होता है माइनस टू, इसमें दो रखेंगे तो सी टू एच टू। इसका कॉमन नेम जो लिखाए हैं, कॉमन नेम होता है एसिटिलीन एसिटिलीन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लिखे दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हम रख देंगे। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है जो पहले लेक्चर में हम बताए हैं, चार बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन तीन बॉन्ड बना चुका है, एक और बनाएगा, इसे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये कार्बन तीन बॉन्ड बना चुका है, एक और बॉन्ड बना देते हैं। तो ये जो है आपका एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है। अब कॉमन नेम जब हम लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। हाइड्रोजन वहाँ चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर चेन आगे बढ़ता है तो हाइड्रोजन चेंज करेगा, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को कॉमन नेम में एसिटिलीन लिखेंगे। जैसे अदर एग्जांपल हम बनाते हैं दूसरा, जैसे ब्यूटाइन, तो ब्यूट में चार कार्बन है तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा ब्यूटाइन का सी फोर, आठ में से दो घट गया सिक्स, सी फोर एच सिक्स। अब इसका कॉमन नेम यानी स्ट्रक्चर निकलेगा, कॉमन नेम यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बनाएंगे, तो हम कॉमन नेम कितना इससे निकाल सकते हैं। तो चार कार्बन है, चार कार्बन को जो है हम एक लाइन में लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमको, चूंकि ये आयन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले हम किनारे लिखेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बैठाएंगे इस कार्बन पर, तीन बॉन्ड है तो
एक बॉन्ड की कमी है तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर चार बॉन्ड हो गया, इस कार्बन पर दो बॉन्ड है तो दो की कमी है तो CH2, एक की यहाँ पर एक बॉन्ड है तीन की कमी है तो CH3। अब देखिए ये जो है दो कार्बन की डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। अब ये जो है यहाँ से चेन कटा है तो ये R हुआ अल्काइल। देखिए चेन को जब हम काटते हैं CH3 CH2 एक बॉन्ड है CH3, तो चेन को जब हम काट देंगे तो ये कौन सा R हुआ, ये CH3 है, ये मिथाइल है, ये सब R है। और ये दो कार्बन से C2H5 है, तो दो कार्बन है C2H5, इसको इथाइल बोले। तो चेन को काटते हैं तो R प्राप्त हो, ये भी R है मिथाइल है, ये भी R है इथाइल है। तो यहाँ से चेन ये कटा है तो दो कार्बन से ये क्या है, इथाइल है। तो पहले हम अल्काइल को लिखते हैं पहले, तो इसका नाम है इथाइल और इसका नाम हो गया एसिटिलीन। तो एक जो है अल्काइन प्राप्त हुआ, इस फॉर्मूले से एक अल्काइन प्राप्त हुआ। और कब तक लिखेंगे, जब तक सेम ना आ जाए। सेकेंड मेंबर लिखते हैं, चार कार्बन है, चार कार्बन को हमने लिख दिया, ट्रिपल बॉन्ड को हमको रखना है। अब इसके बाद वाला में सेकेंड पर हम रखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ एक कार्बन है तो CH3, एक बॉन्ड है तो CH3, इस पर चार बॉन्ड हो गए, इस पर भी चार बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड है, तीन बॉन्ड की कमी है तो CH3। अब ये जो है देखिए ये एसिटिलीन हुआ, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलीन। इधर भी R है, इधर भी R है, दो गो R है, ये CH3 को बोलते हैं मिथाइल। तो यहाँ जो है दो मिथाइल है तो इसको हम लिखेंगे डाई मिथाइल, इसका नाम हुआ एसिटिलीन। तो दो मेंबर मिला, तो दो गो स्ट्रक्चर इसका मिला है कॉमन नेम में। तीसरा चलते हैं, जब सेम होगा तो छोड़ देंगे। अब यहाँ लास्ट में हम आते हैं ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, यहाँ दिए थे, अब यहाँ पर तो यहाँ तीन बॉन्ड है, एक की कमी है, चार बॉन्ड है, इस पर दो बॉन्ड है तो दो की कमी है, इस पर तीन की कमी है। अब ये जो है एसिटिलीन है और दो कार्बन को हम बोलेंगे इथाइल, इसका नाम हुआ इथाइल एसिटिलीन। अब ये जो है इथाइल एसिटिलीन इसमें आ चुका है तो इसको क्रॉस कर दें। इसका मानिए कि दो ही ये मोलिकुलर फॉर्मूला ये C4 यानी ब्यूटाइन है कि नहीं, ये जो है दो ही कॉमन नेम इससे हमको प्राप्त होता है। तो ये दो जो मेंबर मिला है, ये दो जो मिला है कॉमन नेम जो मिला है, तो दो ही अल्काइन को ये शो करता है। ये दोनों को जो अल्काइन का जो है प्रॉपर्टीज क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। ये एक प्रकार का अल्काइन है, ये एक प्रकार का अल्काइन है, दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड किनारे एक पोजीशन पर है, अगर नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये टू पोजीशन, दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है, डिफर है। एक और मेंबर को लिया जाता है, तीसरा हेक्साइन, IPC नाम हुआ इसका। मोलिकुलर फॉर्मूला 6 कार्बन है तो C6, अब 12 में से 2 घट गया 10। अब इसका कॉमन नेम यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम निकालेंगे, कितना कॉमन नेम मिल सकता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के रूप में आएगा। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को 1 by 1 करके इसे रख देंगे। ये तो सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हुआ, हमको जो है ट्रिपल बॉन्ड रखना है, ये आयन है, एक्साइन है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो पहले शुरुआत में हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ 1 by 1 करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तीन बॉन्ड है तो एक की कमी है, इस दे दिए, इस कार्बन पर 4 है, यहाँ पर जो है 2 की कमी है, यहाँ पर भी 2 की कमी है, यहाँ पर 2 की, यहाँ एक बॉन्ड है, 3 की कमी है तो CH3। अब देखिए ये तो एसिटिलीन हुआ, ये चार कार्बन से हम बोलते हैं ये C4H9 है, ये ब्यूटाइल है। तो पहले R को लिखते हैं तो ये हुआ ब्यूटाइल और इसका नाम हुआ एसिटिलीन। तो एक जो है अल्काइन प्राप्त हुआ। उसके बाद से है फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, कब तक लिखेंगे, जब तक सेम ना आ जाए।
अब दूसरे कार्बन पर हम ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, तो ये एक बॉन्ड है CH3, यहाँ चार चार बॉन्ड हो चुका है, CH2 CH2, इस पर एक बॉन्ड है तो तीन की कमी है। अब देखिए यहाँ ये एसिटिलीन हुआ, इधर भी R है, इधर भी R है, इसको ये प्रोपाइल है, तीन कार्बन है, C3H7 प्रोपाइल, ये CH3 मिथाइल है। अब जो है दोनों अल्काइल को हमको पहले लिखना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मिथाइल में आएगा M, प्रोपाइल में आएगा P, तो पहले M आता है तो M को पहले लिखेंगे, यानी मिथाइल, और ये हुआ प्रोपाइल, इसका नाम लिखेंगे एसिटिलीन। तो ये सब कॉमन नेम हुआ। कितना माने के अगर स्ट्रक्चर हम लिखे हैं तभी हमको प्राप्त हो रहा है। ये सब एल्काइन जो है एक दूसरे से क्या है, प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफर है इसका प्रॉपर्टीज। कितना मेंबर आएगा, कितना मान ले के जो है इसका मैं एल्काइन का मेंबर आएगा, कॉमन नेम कितना होगा, हम जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला से लिख रहे हैं। कब तक हम लिखेंगे, जब तक सेम ना आ जाए। छः कार्बन है, छः कार्बन को एक लाइन में हमने लिख दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड हमको देना है, तो ट्रिपल बॉन्ड, अब ये सेकंड और थर्ड पर ट्रिपल बॉन्ड हम बनाते हैं। अब यहाँ जो है CH3 दो बॉन्ड है तो CH2, इस पर चार चार बॉन्ड है, इस पर है दो है तो CH2, ये CH3। अब देखिए ये जो है आपका एसिटिलीन है, समझने के लिए हमने घेर देते हैं, घेरा लगा देते हैं कि एसिटिलीन है। इधर भी दो कार्बन से है R, इधर भी दो कार्बन से R, दो गो R है, ये C2H5 है, इथाइल बोलते हैं, तो दो गो R आ गया इथाइल, तो हम लिखेंगे डाई इथाइल, इसका नाम हुआ एसिटिलीन। नेक्स्ट चलते हैं, छः कार्बन को फिर जो है हमने लिख दिया। अब देखिए थर्ड पर रखे थे, अब फोर्थ पर रखते हैं, यहाँ रखे थे, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को, कब तक चलेंगे इस तरह, जब तक सेम ना आ जाए। तो CH3 CH2 CH2, चार चार बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो तीन की कमी है CH3। अब ये है ट्रिपल बॉन्ड हुआ एसिटिलीन, इधर है तीन कार्बन प्रोपाइल, एक कार्बन है मिथाइल, इसका मिथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन, तो मिथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन आ चुका है। अब इसका जो भी हम बनाएंगे आगे जाएंगे तो सेम ही होगा। तो इसका मानी है कि ये जो है C6H10 यानी ब्यूटन हेक्साइन गिव्स थ्री अल्काइन्स। ये जो है हेक्साइन जो है ये दे सकता है, देता है तीन प्रकार के एल्काइन, जो तीनों एक दूसरे से क्या है, ये डिफरेंट है प्रॉपर्टीज में। अगर सवाल कहता है कि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइन्स कितना मिलेगा इसमें, तो हम दे सकते हैं तीन। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइन्स इस फॉर्मूला में हमको मिलेगा तीन मिलता है। क्वेश्चन एक बताते हैं इसमें, द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइन्स विथ फॉर्मूला C5H8H। ए में दिया है दो, बी में दिया है तीन, सी में दिया है चार, और डी में दिया है दो तीन चार, इसमें दिया है पांच। देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें कितने एल्काइन्स मिल सकते हैं जो एक दूसरे से क्या होगा, डिफर होगा प्रॉपर्टीज में। हम जो है कॉमन नेम अगर लिखते हैं, इसका कॉमन नेम स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो हमको इसमें कितना मिलेगा एल्काइन्स मिल सकता है जो एक दूसरे से डिफर होगा। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H8, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। पांच कार्बन है, पाँच दुना दस में से दो घट गया, तो ये इसका नाम है, आईपीसी नाम हुआ पेंटाइन, ये है पेंटाइन है, ये आईपीसी नाम है। हम इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं कितना मिलेगा, तो कॉमन नेम
पांच कार्बन है, पांच कार्बन को एक लाइन में लिख देते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड एक किनारे रखेंगे, यहाँ तीन बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड की कमी है तो एक सी एच हुआ। इस पर कार्बन पर एक इधर है, तीन इधर है, चार बॉन्ड इसका पूरा हो गया। इस कार्बन पर जो है इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड की कमी है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो दो की कमी है तो सी एच टू, इस पर भी सी एच टू, यहाँ तीन की कमी है तो क्या हो गया सी एच थ्री। तो एक तो है एल्काइन जो है प्राप्त हुआ, देखिए ये तो है आपका कौन सा हो गया एसिटिलीन, तीन कार्बन दिया है, तीन कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं, तो एक हुआ प्रोपाइल एसिटिलीन। बे पांच कार्बन को लिखेंगे एक लाइन में। अब ट्रिपल बॉन्ड को आगे बढ़ाते हैं, अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं सेकेंड कार्बन पर, वन बाई वन करके आगे बढ़ेंगे, जब सेम आ जाएगा तो छोड़ देंगे। एक बॉन्ड है तो सी एच थ्री, ये तो कार्बन पर चार बॉन्ड है, यहाँ है दो बॉन्ड की कमी है, यहाँ तीन, एक तीन बॉन्ड की कमी है तो सी एच थ्री, ये एसिटिलीन हुआ। अब इधर आ रहा है मिथाइल, इधर आ रहा है इथाइल, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड घेरने का मकसद क्या है, जैसे सी एच थ्री है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, आज सी एच टू है, सी एच थ्री है, हम इसको यहाँ से देखिए ये तो एसिटिलीन है। अब ये चेन को काटेंगे तो ये आर मिला मिथाइल, ये क्या मिलता है सी टू एच फाइव मिलता है, ये इथाइल हुआ। तो दो को आर मिला है, दोनों को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो इथाइल में ई आता है, मिथाइल में एम आता है, तो ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका नाम हुआ इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। विद्यार्थियों ये जो है जब हम रिएक्शन कराते हैं आगे तो सब जो है स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला में लिखा जाता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला में अगर लिखा रहेगा, हम अगर एल्काइन का रिएक्शन पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला में अगर ऐसे लिखा रहता है, ये से लिखा है, तो आप नाम तैयार नहीं कीजिएगा ना, रटना नहीं है इसको, हम इसका नामकरण कर सकते हैं। देखिए ये एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एसिटिलीन हुआ, एक यहाँ आर है तो इसका नाम हो गया मिथाइल एसिटिलीन, इसका नामकरण हम कर सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन जब जहाँ पर हम करते हैं प्रोपल्शन प्रॉपर्टी, वहाँ पर आपको मदद मिलेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मालूम है तो इसका आसानी से नाम कर दीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कितना में पॉसिबल एल्काइंस मिलेगा, तो थर्ड हम चलते हैं सी, सेम आएगा तो छोड़ देंगे, ये पांच, ये सेकंड पर रखते हैं, अब थर्ड पर रखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो बताइए ये तो एसिटिलीन हुआ, इधर दो कार्बन है सी एच थ्री सी इथाइल है, एक कार्बन है मिथाइल है, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, सेम आ गया, हटा देंगे, ये दो ही आपका मिलेगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइंस कितना हुआ, तीन है, दो है नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइंस, इसमें दो मिलेगा, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से डिफर है। अब जो है एल्केन पढ़ चुके, एल्कीन पढ़ चुके, ये एल्काइन आज पढ़ा रहे हैं। अब इसमें जो है एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच, एल्काइन में अभी पढ़े कि एक दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, उसकी लंबाई कितनी होती है, ये जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्केन का दो कार्बन से मेंबर इथेन होता है, तो इथेन बना रहे हैं इसमें, यहाँ पर जगह इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड है तो तीन की कमी है सी एच थ्री, यहाँ है सी एच थ्री, ये एल्केन है। एल्कीन का दो मेंबर इथिलीन, कॉमन नेम है इथीन बोलते हैं आईपीसी नाम, तो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो दो बॉन्ड हुआ तो दो बॉन्ड की कमी है सी एच टू। अब इसकी लंबाई कितना होगा, ये एल्कीन का मेंबर है। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये जो है अभी पढ़े हैं। अब इस कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड की लंबाई कितना होगा, इसके बारे में आप जानकारी लीजिए, एल्किन एल्किन एल्का। तो यहाँ लिखते हैं सी सी बॉन्ड लेंथ, सी सी बॉन्ड लेंथ,
मैंने इस कार्बन के बीच की दूरी, जहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, दो कार्बन जिसके बीच डबल बॉन्ड है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितना होता है। तो इसमें जो है दूरी जो है 1.54 एंगस्ट्रम, 54 एंगस्ट्रम होता है। इसका दूरी जो है बॉन्ड लेंथ कम होगा 1.34 एंगस्ट्रम, ये 1.20 एक्सट्रम, यानी इसकी लंबाई जो सीसी ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई सबसे कम होगा, उससे बड़ा ये होगा। ये अगर लंबाई इसका कम है तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसका ये जो है इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसका स्ट्रेंथ अगर निकालते हैं, सीसी बॉन्ड स्ट्रेंथ, सीसी बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो लंबाई ज़्यादा होने के कारण ये क्या होगा, इससे कमज़ोर होगा। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए स्ट्रोंगर, स्ट्रोंग लिखते हैं, उससे जो है ये मजबूत होगा तो स्ट्रोंगर लिखते हैं, ये सबसे मजबूत होगा तो स्ट्रोंगेस्ट लिखते हैं। ये जो है आपका बॉन्ड का नेचर है। अब देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पीटी, तो इसको देखिए ये जो है बॉन्ड, इसके अपेक्षा जो है ये दोनों का अपेक्षा ये इसका जो है कमज़ोर होता है। ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा होने से इस ये जो है तो कमज़ोर होता है दोनों से। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, 88 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। इसके अपेक्षा ये मजबूत है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो 163 किलो कैलोरी। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, क्वेश्चन में पूछ देता है कि स्ट्रॉन्ग ये जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछता है। अब इसको तोड़ने के लिए एनर्जी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए, 98 किलो कैलोरी, ये नेचर है। अब इस पर जो है क्वेश्चन बनता है कि नहीं, इस पर दो तीन वेराइटी का क्वेश्चन इस पर बनता है, तो इसको याद करने वाली चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा के बॉन्ड लेंथ इस ये एल्केन एल्किन एल्काइन में ये होता है ना, स्ट्रेंथ जो है ये नेचर है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी इसमें सबसे ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। एक इस पर जो है क्वेश्चन जो है कहता है, द सीसी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज डॉट डॉट डैन सी डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। ए में दिया है लेस, बी में दिया है मोर, सी में दिया है इक्वल, डी में दिया है नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई कहता है कि बेंजीन में जो कार्बन का डबल बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है। ये एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड होता है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है, तो बेंजीन का बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो बेंजीन में एग्जिस्ट करता है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा किससे, एल्किन में जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ का। अभी देखे हैं कि एल्किन में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई होता है 1.34 एंगस्ट्रम सीसी बॉन्ड लेंथ। अगर एल्किन बनाते हैं, एल्किन्स अगर है, एल्किन्स है तो यहाँ पर जो है दो कार्बन के बीच जो है बॉन्ड लेंथ जो है होता है यहाँ पर 1.34 एंगस्ट्रम। आइए बेंजीन में देखा जाए तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन जो है C6H6, छः कार्बन छः हाइड्रोजन, कैसे होगा,
ये रिंग होता है, छह कार्बन को रिंग में सजाते हैं यहाँ पर। अब इसमें जो है ये एक नेचर होता है, एरोमेटिक करेक्टर होता है, तो उसमें अल्टरनेट क्या होता है, सिंगल डबल वन होता है। तो ये जो है ये डबल, अगर इसको हम डबल मानते हैं तो ये सिंगल है, ये क्या हुआ डबल, सिंगल, डबल, ऐसे अल्टरनेट सिंगल और डबल वन होता है। तो इस ये अगर इस तरह का होगा अल्टरनेट सिंगल डबल वन, तो ये एरोमेटिक करेक्टर शो करता है, क्योंकि ये एरोमेटिक है करेक्टर शो करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है अल्टरनेट सिंगल और डबल वन है। अब इस पर जो है इस कार्बन पर तीन बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड की कमी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, इस पर भी तीन बॉन्ड हो चुका है, इधर एक है इधर दो है, तो सी एच, इस पर भी सी एच, इधर एक बॉन्ड इधर भी, तो ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हुआ बेंजीन का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ के रूप में, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे। ये देखिए जहाँ जहाँ है, देखिए एक लाइन में दो कार्बन एटम होता है, तो दो कार्बन के बीच जो है दो कार्बन होता है, तो उसको एक लाइन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, तो इसमें छः कार्बन हो गया, छः हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें देखिए घटना कौन से घटती है, इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है मीन्स वगैरह के, देखिए रेजोनेंस कहता है कि सही स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए इस स्ट्रक्चर को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसी लिखने की घटना को बोलते हैं रेजोनेंस। चूँकि ये एरोमेटिक है कंपाउंड है बेंजीन, तो इसमें रेजोनेंस की घटना होगा। तो ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का सिर्फ अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है इसमें, और जो है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करने के बाद से हमको जो है सही स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो ये जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, दो कार्बन है दो कार्बन डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो इसके अंदर देखिए एक पाई दो पाई ये तीन गो पाई है। ये जो है डीलोकलाइज्ड होता है, यानी ये मोशन में होता है, मोबाइल होता है, ये घूमता है, तो घूमता है तो देखिए इस कार्बन ये यहाँ पर आएगा, जब ये बॉन्ड अगर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, तो इस पर जो है कितना हो जाएगा, अगर ये डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन पर पांच बॉन्ड हो जाता है, दो और दो चार एक पांच बॉन्ड, तो पांच बॉन्ड रहेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भागेगा पाई, और जब यहाँ आएगा तो इस कार्बन पर कितना हो जाएगा पांच बॉन्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो फिर ये भागेगा यहाँ पर, इस तरह ये जो है भागता है। तो ये जो है देखिए अगर ऐसे समझिए, अगर कार्बन हम दिए हैं, ये डबल बॉन्ड है ऐसे हमने रख दिया, अगर इस पर आता है तो ये तो सिंगल हो गया, तो इस पर ये डबल बॉन्ड, इस पर ये आया यहाँ पर तो इस पर डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन देखिए तो इस कार्बन पर तो चार हो गया, लेकिन इस कार्बन पर कितना होगा दो दो चार एक पाँच, तो इस हालत में देखिए यहाँ तो आया तो इस पर, फिर ये जो है दो दो चार एक पाँच, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो ये ख़त्म हुआ, तो इस पर जो है डबल बॉन्ड बनेगा, इस पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन पर कितना हो गया दो दो चार एक पाँच, ये तो पांच नहीं होगा चारे बॉन्ड होता है, तो फिर ये जो है यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा यहाँ जाएगा, तो अब यहाँ पर गया तो अब क्या हुआ यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब इस तरह हम देख रहे हैं कि सब पर जो है चार बॉन्ड, इस पर भी इस पर भी इस पर भी चारों तरफ चार बॉन्ड होता है, तो ये जो है डीलोकलाइज होता है, अंदर जो है ये मूव करता है, मूवेबल है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड जो है ये मूवेबल है, ये जो है डीलोकलाइज करेगा, ये घूमता है, तो घूमने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फिर इसमें जो है ये मूव करेगा। तो देखिए कहाँ कहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ बना, ये जो है यहाँ डबल बॉन्ड बना, और इसके बाद से यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर इसको अगर मूव करते हैं तो पहले वाला मिल जाएगा, तो कब तक हम अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन का, जब तक ओरिजिनल जो है पहले वाला ना मिल जाए। तो इसमें मान लें कि दो गो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, तो सही स्ट्रक्चर क्या हुआ जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
तो इसमें दो ही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सही स्ट्रक्चर क्या होगा, इस सब का निचोड़ जो है, तो इसका मानी है कि जो है ये पाई जो है, जो पाई बॉन्ड है इसमें ये मूवेबल है, तो ये एकदम घूमता है ऐसे, अब इस नेचर का होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रू स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यही सही स्ट्रक्चर है, ट्रू स्ट्रक्चर, ट्रू स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसमें जो है अब इस नेचर का हो गया, अगर कार्बन है ये जो है बॉन्ड कार्बन है तो इस नेचर का हो गया। अब इसका बॉन्ड लेंथ, अब इसका बॉन्ड लेंथ दो कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ, तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो रेजोनेंस की घटना अगर होती है रेजोनेंस, तो इस तरह का ये रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है। तो अब जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो 1.34 एंगस्ट्रॉम न होकर कितना होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम ड्यू टू रेजोनेंस। हम लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन ये सीसी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, इन बेंजीन बर कितना होगा 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसको लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण इतना हो जाता है। तो हम दिखा सकते हैं, देखिए एल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की दूरी हो गया 1.34 एंगस्ट्रॉम, और चूंकि बेंजीन में पूछ रहा है, बेंजीन में भी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन इस तरह ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ये डीलोकलाइज मूवेबल होता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो इस हालत में ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ दो का बेंजीन में इस तरह का नेचर हो जाएगा। अब इसकी लंबाई जो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.3। तो यहाँ पर बेंजीन में जो सीसी बॉन्ड लेंथ है स्वाभाविक है कि क्या होगा, इससे बड़ा हो रहा है, तो ये होगा आंसर ज़्यादा होता है किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्केन से। इसकी चर्चा जो है मैकेनिज्म में होगी, है ना, रेजोनेंस क्या है कि नहीं, और रेजोनेंस को हम अदर अदर एग्जांपल से हम इसको शो करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और सही स्ट्रक्चर, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें सिर्फ हम ये दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं, इसका मतलब सही स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए हम इसको जितने तरीके से लिख सकते हैं, इस लिखने की घटना को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जितने बार लिखते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो सही स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बेंजीन में सीसी बॉन्ड लेंथ कितना होगा 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो ज़्यादा होगा किससे, एल्किन में जो है सीसी डबल बॉन्ड लेंथ से। देखिए एल्काइन दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें हमको मेनली बताना है कि टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन होता है, जब एल्काइन का प्रोपोजिशनल प्रॉपर्टीज आगे हम चलेंगे बताएंगे, तो उसमें जो है टर्मिनल एल्काइन का वो किस प्रकार का रिएक्शन करता है। टाइप्स ऑफ एल्काइन, तो इसमें होता है दो होता है, एक जो है टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन मीन्स होता है कि देखिए एल्काइन का हम कॉमन नेम लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चेन के किनारे पर होता है तो उस तरह के एल्काइन को बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। मान लीजिए चार कार्बन हम लिखते हैं, पांच कार्बन लिखते हैं, अगर किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड और बाकी जो है यहाँ, तो अगर चेन के किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इस तरह के एल्काइन को बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ न होकर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अगर हम दे देंगे तो टर्मिनल एल्काइन बन जाता है। चेन के किनारे पर अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड एट द एंड ऑफ चेन, अगर चेन के किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। इसमें जो है
इसमें जो है हायर एल्काइन्स इसे हम बना सकते हैं, टर्मिनल एल्काइन अगर दे रहा है उसे हायर एल्काइन्स बना सकते हैं। तो इसमें है प्रोपेशन ऑफ हायर एल्काइन्स हम बना सकते हैं इसमें, हायर टर्मिनल एल्काइन्स। अब कैसे बनाते हैं देखिए, अगर मान लेके हम लेते हैं, देखिए इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला का आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा। हम लिख देते हैं किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये रिएक्शन आपके लिए आसान होगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पर ही सब जो है डिपेंड करता है रिएक्शन। जब तक स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन हम नहीं लिख सकते हैं। अब टर्मिनल एल्काइन तक किनारे पर हम ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, तो ये हुआ आपका, ये ब्यूटाइन है, चार कार्बन है CH2, इस पर चार बॉन्ड है, इस पर एक, यहाँ पर H देते हैं। अब ये हुआ टर्मिनल एल्काइन है, एल्काइन। अब इसका रिएक्शन देखिए, हम थोड़ा सा रिएक्शन हम बता रहे हैं कि कैसे जो है हम स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है लिखना तो हम रिएक्शन को है ना करने में आसानी होती है, रिएक्शन आसान हो जाता है। हम सोडामाइड से रिएक्शन करते हैं, NaNH2 सोडामाइड इसको बोलते हैं। अब सोडामाइड है, अब देखिए इसका एक इसमें टर्म आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम जब निकालते हैं तो उसमें देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड कितना है। अगर ये जो है अगर दो गो सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसको sp2 बोलते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3। ये सब हम इसी बेसिक में हम बताएंगे। तो इस कार्बन देखें, ट्रिपल बॉन्ड में जो है सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा दो पाई होता है। अब इस कार्बन का देखिए, ये कार्बन का इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का तो इधर है सिंगल बॉन्ड तो ये सिग्मा है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई है, तो ये कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड से घिरा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। sp का साइज छोटा होने से ये क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनिविटी मीन्स होता है कि वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी ओर खींचता है, खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेता है, ये खींचेगा। इसका साइज छोटा होने के कारण देखिए ये साइज बढ़ रहा है, इसका छोटा साइज है उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा इसमें होगा। तो साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रोनिविटी बढ़ जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो जब खींचेगा तो H+ बाहर निकलता है। यहाँ देखिए, अगर मान ले के देखिए, ये अगर HCl लेते हैं HCl, तो ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, ये दो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग कर लिया तो ये बॉन्ड बन गया, तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी इलेक्ट्रोनिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो मिलेगा, ये खो दिया एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खो दिया तो प्लस, और ये पा लिया तो क्या हो गया, इस पर माइनस हो गया। तो ये खोया है, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पाया है और ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खोया है, तो जब भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खोता है तो प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। हकीकत में ये खोया कितना है, एक अपना एक दूसरे का, हकीकत में एक ही खोया है, लेकिन ये शेयरिंग पर तो दोनों का अधिकार होता, तो ये दोनों ले लिया है, तो ये जो है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खोया है, हकीकत में एक ही इलेक्ट्रॉन खोया है, और ये क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन में जब लिया है तो इसका माइनस चार्ज, तो हकीकत में ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का है। तो जब भी मान ले के जो है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खोता है तो प्लस चार्ज, और इस पर क्या होगा पाता है तो माइनस चार्ज। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो इस पर माइनस, इस पर क्या होगा प्लस होगा। सोडामाइड है तो सोडामाइड को हम लिख सकते हैं, देखिए ये भी टूटेगा तो ये जो है NH2, ये मेटल है तो इस पर ये खोएगा, इस पर क्या होगा माइनस होगा, ये टूटता है, ये खो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये पा रहा है Na+, Na-। अब देखिए यहाँ से जो है ये H+, ये माइनस है, ये H+ है, ये NH2 माइनस है, तो ये दोनों जुटेगा तो NH3 बन जाएगा, और C पर माइनस है Na+ है तो C से Na जुट जाता है, तो ये रिएक्शन में मिलेगा आपको CH3 CH2 CH3 80 पर माइनस है, Na पर प्लस है, तो प्लस माइनस जो है एक साथ हो जाएगा। जैसे देखिए अगर A पर प्लस है तो खोया है, और B पर माइनस है तो ये पाया है,
ये पाया, फिर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो फिर ये बन जाता है, ये भी बन जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर एक पर प्लस हो एक पर माइनस हो तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल बनेगा ए, और ये जो है बॉन्ड बी, इस तरह का जाएगा। अगर इसमें हम दिखाते हैं तो इसमें माइनस है प्लस है, इसके बीच बॉन्ड बन जाता है। अब इसका रिएक्शन देखिए, किसी भी अल्काइन से कर सकते हैं, इसका नाम है ना एसिटालाइड होता है। ये जो है अगर हम दे दे हैं, देखिए हायर एल्काइन से बना सकते हैं हम। मिथाइल अगर मान ले के लेते हैं CH3, ये मिथाइल ब्रोमाइड है जो आगे हम बताएंगे। मिथाइल ब्रोमाइड ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो Br पर माइनस और Na प्लस, तो ये जो है एक पर प्लस एक पर माइनस NaBr बन गया। और ये C पर क्या प्लस इस पर माइनस है, तो ये जो है C से ये CH3 जुटेगा। तो इस तरह देखिए CH3 CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड और C से क्या जुड़ जाएगा CH3। हमने जो है चार कार्बन लिया ब्यूटाइन, और ये बन गया कौन सा पांच पेंटाइन बन गया, ये पेंटाइन बन गया। अगर यहाँ दो कार्बन लेते तो दो कार्बन यहाँ जुड़ता तो ये जो होता हेक्साइन बन जाता। इस तरह हम हायर एल्काइन बनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप तो मान लेके जब जब रिएक्शन जाइएगा तो इसको रटिएगा नहीं करना कि इसका नाम है इथाइल एसिटिलीन है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपने स्ट्रक्चर लिख दिया, अगर जानकारी है तो इसका भी नाम आप दे सकते हैं। ये देखिए कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये एसिटिलीन है, इथाइल मिथाइल नामकरण हम कर सकते हैं। तो इस तरह विद्यार्थियों हम जो है एल्काइन में जो टर्मिनल है, अगर ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मालूम है तो यही ना समझना है, बाकी हम समझ कर हम जो है इसका रिएक्शन, तो ये आसान करता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको रिएक्शन करने में आसानी करता है, क्योंकि हम उसका नामकरण सही लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर सही होगा तो सही रिएक्शन हम दे सकते हैं। दूसरा एल्काइन होता है नॉन टर्मिनल, एल्काइन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है किनारे पर नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो है चार कार्बन है, हम ये किनारे ना होकर यहाँ दे देते हैं, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। तो CH3 इसका नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है चार बॉन्ड है, इस पर चार बॉन्ड है, यहाँ पर ये है डाईमिथाइल एसिटिलीन है। अगर इसका रिएक्शन अगर सोडामाइड से करते हैं NaNH2 तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि नो रिएक्शन, इसमें टर्मिनल एल्काइन। ये सोडामाइड किससे करेगा, टर्मिनल एल्काइन से। तो ये दो प्रकार के हो गए एल्काइन, है कि नहीं। तो हायर अगर हमको एल्काइन बनाना है तो टर्मिनल एल्काइन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, उससे रिएक्शन करा के हम बना सकते हैं। नॉन टर्मिनल एल्काइन मीन्स हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड जो है किनारे पर न होकर के कहीं और होगा। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।